दोस्तों इन्फिनिक्स 8 दिसंबर को इंडियन मार्केट में अपने इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 HD को लॉन्च करने वाला है। बट दोस्तों हमेशा की तरह लॉन्च से पहले ही मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ इसके सारे स्पेसिफिकेशन, क्या कुछ इंडिया मार्केट में प्राइसिंग होने वाली है, मतलब हर एक जानकारी इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 HD से रिगार्डिंग इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो बस आप इस वीडियो में इन तक जुड़े रहिएगा। सो है गाइस, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं आपसे इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 HD के जो है स्पेसिफिकेशन के बारे में बातें कर लेता हूं। तो दोस्तों यहां पे जो है आपको 6.6 इंच का एक HD प्लस वाला IPS LCD पैनल देखने को मिल जाएगा, जहां पे जो आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट लाकर दिया जाएगा। सामने की तरफ जो आपको पंचोले शाइनिंग वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, लिटरली तारीफ करना पड़ेगा इन्फिनिक्स का, क्योंकि जिस प्राइस रेंज पे यहाँ पे पंचोले डिस्प्ले प्रोवाइड करी उस प्राइस रेंज पे पंचोले डिस्प्ले प्रोवाइड करना बहुत बड़ी बात है, मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव प्राइसिंग पे स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है, जहाँ पर जो आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। अब बैक की तरफ बात करें तो यहाँ पे डुअल कैमरा होने वाला है, जहाँ पे जो प्राइमरी कैमरा है वो आपको देखने को मिल जाएगा 13 मेगापिक्सल का, और जो सेकेंडरी कैमरा बस ऐसे ही नाम के लिए AI लेंस वाला चिपका दिया गया, इसका कोई भी यूज़ यहाँ पे नहीं होता है, बस ऐसे ही मान के चलो कि नाम के लिए है, बस AI लेंस वाले चिपका दिया गया है। 5000 mAh की बैटरी होने वाली है जो कि टाइप सी पोर्ट के साथ में आएगा। एंड हाँ दोस्तों यहाँ पर जो आपको 10 W का चार्जिंग भी देखने को मिल जाएगा। अब जिस प्राइस रेंज पर उस प्राइस रेंज पर हम शिकायत नहीं कर सकते हैं। एंड दोस्तों अब प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर आपको यूनिसॉक की तरफ से T606 चिपसेट देखने को मिल जाएगा, जिस प्राइस रेंज पर आ रहा है, अगेन प्राइसिंग के ऊपर सब डिपेंड कर रहा है, जिस प्राइस रेंज पर आ रहा है उस प्राइस पर हम शिकायत नहीं कर सकते हैं, अच्छी प्रोसेसर उस प्राइस के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर यूज करा गया है। एंड दोस्तों यहाँ पर जो आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाएगा, 3.5 mm जैक भी होने वाला है, डुअल सिम का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। एंड ये स्मार्टफोन जो है एंड्रॉइड 13 के गो एडिशन पे आएगा, मतलब एंड्रॉइड टी गो एडिशन पे आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है। तो ये रही स्पेक्स की कहानी इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 HD की। अब दोस्तों अगर मैं आपसे इसके प्राइसिंग के बारे में बात करूं तो इस बताया जा रहा है कि इसका जो बेस वेरिएंट है आपको देखने को मिलेगा 4+64, जिसकी प्राइसिंग आपको देखने को मिलेगी 5,999 रुपये। सही सुना आपने, 6,000 रुपये। 6,000 रुपये में इतने सारे स्पेक्स प्रोवाइड करना अपने आप में लिटरली बहुत बड़ी बात है। इन्फिनिक्स बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, मतलब 6,000 रुपये में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आप प्रोवाइड कर रहे हो, 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले प्रोवाइड कर रहे हो, क्या ही बोलूँ मैं, मतलब शिकायत कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जिस प्राइस रेंज पे आ रहा है 6,000 रुपये में, अब क्या ही चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 8 दिसंबर को ये स्मार्टफोन जो इंडिया मार्केट में लॉन्च हो जाएगा। तो बस यही जानकारी थी जो हम आपको देना चाहते थे इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 HD से रिगार्डिंग। तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ डाली। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे और नई वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय बाय।